सुपरफास्ट तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 दिन बाद 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। सभी दलों के लिए पहले और दूसरे चरण का मतदान बेहद अहम है। पश्चिमी यूपी से निकली जीत की ब्यार पूर्वांचल तक पहुंचेगी और जीत की राह और आसान होगी। ऐसे में सभी दल अपने अपने दिग्गजों के साथ चुनावी रण में जमकर प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामली और मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया और सरकार पर आरोपों की बौछार की। यूपी के चुनाव को चुनाव आयोग ने अब और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला प्रधान, शहरी निकाय वोटर्स होते हैं और ऐसे में मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने की लड़ाई के बीच परिषद के प्रतिनिधि चुनेंगे। बता दें कि यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए 3 और 7 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को इन एमएलसी के चुनावों का परिणाम आएगा और इससे पहले 10 मार्च को यूपी विधानसभा का चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। तो यहां पर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। एमएलसी की सीटों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो 36 सीटों पर यहां पर एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। बता दें कि आपको यहाँ पर एमएलसी के चुनाव पहले नवंबर में होने थे, लेकिन अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं दिख रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। लगातार हम आपको उन फैक्टर से भी रूबरू कराते आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हो गया, जाटों की नाराजगी होगी, गुर्जर समाज की नाराजगी, ब्राह्मणों की नाराजगी, तो इस वजह से यहाँ पर बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही है और ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग से अब एमएलसी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया। सपा की तरफ से इसको लेकर बीजेपी पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो नवंबर में चुनाव होने थे एमएलसी के, उनको अब विधानसभा चुनावों के दौरान कराकर कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा लेना चाहती है। क्योंकि आपको बता दें कि एमएलसी का जब चुनाव होता है तो इसके लिए जो वोटर्स होते हैं वो जिला पंचायत प्रधान होते हैं, शहरी क्षेत्र निकाय के सदस्य होते हैं, तो ऐसे में सांसद और विधायक भी इसमें अपना मत का इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे ग्राउंड से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया। संजीव जी, मेहमान अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप ही का मैं रुक करना चाहूंगी। एमएलसी चुनावों को लेकर भी यहां पर अब घोषणा कर दी गई है, वो भी विधानसभा चुनाव के बीच में। चुनाव आयोग का एमएलसी चुनाव का ऐलान कर देना इस मुकाबले को और ज्यादा यहां पर दिलचस्प बना रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, साफ तौर पर बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश का नरेटिव सेट करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन पहले चरण के काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसके साथ 36 सीटों के जो एमएलसी हैं, निकाय एमएलसी, उनके चुनाव होने हैं। हालांकि ये चुनाव नवंबर में होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आकलन ये था कि 2022 में योगी सरकार रिपीट कर रही है। लेकिन अब जो ताजा सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी स्थितियों को भांपने में बड़ी माहिर है और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सियासी फिजाएं थी उनको भांप कर ये चुनाव 3 और 7 मार्च को होगा, 12 मार्च को इसकी काउंटिंग हो जाएगी। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रीति वो हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश नहीं देश का नैरेटिव सेट करता है। क्या लगता है कि अब की बार, क्या शुभ नाम है आपका? रणदीप सिंह गिल। चौधरी साहब, क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी बयार है अब की बार? साइकिल धर्राटे काट रही है और नल पानी दे रहा है, जबरदस्त लहर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था अच्छी रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीजों पर काम हुआ है। 2 साल से मिलिट्री की भर्ती नहीं निकली, सारे खिलाड़ी रोडों पर खेल खेल के रनिंग करके परेशान हो गए हैं और बेरोजगारी का आलम यह है कि किसी को 3 साल 4 साल से कोई रोजगार ही नहीं मिला। क्या नाम है? हेवेंद्र सिंह। हेवेंद्र जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है पश्चिम में? साइकिल की। साइकिल की।
देखिए ये जो तमाम लोग हैं प्रीति, इन सब लोगों का मानना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार मुद्दों पर वोट डालेगा, 80-20। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, अमित शाह लगातार घर घर पर्चे बांट रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख अब की बार न तो हिंदुत्व का है न जातिवादी का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। एमएलसी चुनाव भी इसके साथ साथ होने वाला है, बड़ा सदन माना जाता है उत्तर प्रदेश का, 100 सीटें हैं विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में, और 36 सीटों में जब समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव हुए थे तब 33 पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी और 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब सबसे बड़ा सिनेरियो यह है कि युवा क्या चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, क्या चाहता है युवा पश्चिम उत्तर प्रदेश का? युवा जो है, अब सबसे पहले तो हम जो जैसे युवा हैं बेकार हो चुके हैं, ये जो है अपनी बीजेपी की सरकार में। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, किसको वोट देना चाहिए? ये देखिए तमाम लोग हैं, हालांकि अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं है, मेरे साथ और तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? कपिल चौधरी। क्या लगता है चौधरी साहब, जाटों का क्या रुख है पश्चिम? जाट पूर्णतया राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं। और अब शाह कह रहे हैं कि जयंत चौधरी गलत दल के साथ चले गए, चुनाव जब कंप्लीट हो जाएगा तब इधर लौट के आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है। हम राष्ट्रीय लोक दल के सिपाही हैं और राष्ट्रीय लोक दल के साथ कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और उनके फैसले से पूर्ण रूप से हम सहमत हैं और उनके साथ कंधे से कंधे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाई गठबंधन की सरकार है, सपा की सरकार है। यहाँ तमाम लोग हैं प्रीति, अब हालांकि ये भी हो सकता है कि लोग ये आरोप लगाएं कि हमने समाजवादी या गठबंधन के लोगों को इकट्ठा किया हो, लेकिन हम चौराहे पर हैं और जो भी लोग हमें देखकर यहाँ पहुंचे उन लोगों से हमने बात की। आप प्रवक्ताओं से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना रुख रखेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी अपनी बात कहेंगे। आगे चलकर मैं चाहूंगी, क्योंकि जब हम दोनों प्रवक्ताओं से बात करेंगे, क्योंकि कल संकल्प पत्र यहां पर बीजेपी अपना लेकर आने वाली है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का भी संकल्प पत्र आएगा, लेकिन 2017 के संकल्प पत्रों के जो वादे थे उनको आखिर कितना पूरा किया गया है और नए संकल्प पत्र में क्या कुछ रहने की उम्मीद है, उसको लेकर भी आप जनता से बात कीजिएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है सर, 5 दिन बाद मतदान होना है और एमएलसी चुनाव का भी यहां पर ऐलान हो गया है। बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है सपा की तरफ से कि जो चुनाव नवम्बर में होने थे वो अब चुनाव आयोग से करवाए जा रहे हैं ताकि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में लिया जा सके। देखिए क्या है कि विपक्षी दल है, उनका अपना कार्य है आरोप लगाना, वो लगाए। उन अपने लोकतंत्र की यही सबसे खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपने शब्दों को कहने के लिए स्वतंत्र है एक निश्चित दायरे में रहकर। रही बात ये एमएलसी चुनाव कराने की, तो ये क्या लोग जो भी लोकसभा के विधानसभा के या एमएलसी के चुनाव होते हैं क्या कोई वो दल तय करता है? कोई भी चुनाव है वो देश का लोक चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, वो संवैधानिक व्यवस्था है और वो संविधान के दायरे में रहकर अपना कार्य करते हैं। किसी भी संवैधानिक संस्था पे हस्तक्षेप करने का भारतीय जनता पार्टी का अधिकार कैसे हो सकता है या किसी भी दल का कैसे हो सकता है? ये चुनाव एमएलसी चुनाव यदि विधानसभा के साथ कराया जा रहा है तो देश में एक साथ सारे चुनाव हो, इसकी परिकल्पना देश के ढेर सारे बौद्धिक लोगों ने किया है और उसी परिकल्पना के थ्रू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कई बार कहा है। लेकिन चुनाव आयोग स्वतंत्र है अपनी व्यवस्थाओं कराने के लिए और चुनाव आयोग की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर रहा है और चुनाव आयोग के द्वारा ये चुनाव हो रहा है, तो इसको आरोप लगाना कि भाजपा ये एमएलसी का चुनाव इसलिए करा रही है कि उसको लाभ होगा, ये बेतुके बयान है। और कृष्ण मोहन जी क्या आपको लगता है संवैधानिक संस्था? कृष्ण मोहन जी सवाल तो लीजिए भाई, अरे सवाल तो लीजिए भाई, भाजपा कार्यालय नहीं है ये मेरे चैनल का प्लेटफॉर्म है और इसका कतई उपयोग आप अपने तरीके से नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, कृष्ण मोहन जी क्या आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुद्दों से अलग हटके बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मई जून में शिमला का एहसास करा दूंगा, 80-20% की बात कर रहे हैं, तो ये जो विकास आपने 5 साल कराया है, मुद्दों पर आपने बात की है, तो मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे आपके मुख्यमंत्री? संजीव भाई मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुद्ध रूप से 5 वर्षों में जो हमने विकास किया और केंद्र की 8 वर्ष की सरकार ने जो विकास किया इस उत्तर प्रदेश में और देश में, हम उन्हीं विकास के मुद्दों पर ही जाकर बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। परंतु विकास में जो सबसे बड़ा बाधक है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, वो है अपराध, और अपराध की इंडस्ट्री उत्पन्न करने वाले लोग जो उनको 5 वर्षों तक अपने पैर पर न फैला सके। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराधी
दोनों लोग अपने एक जगह तलाश लिए थे जो उत्तर प्रदेश में आ न सके, तो अब वो अपराधी जो उनको लगता है कि 5 वर्षों में मेरे पूरा व्यापार बंद हो गया है, उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी उस 5 वर्षों में नहीं कर पाए हैं, अपराध पर और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जिस तरह से योगी जी किए हैं, तो कुछ लोग हैं जो अब इस समय चुनाव आयोग जब ये घोषणा कर चुका है कि चुनाव होगा, ठीक है, आपकी आपकी बातों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है कपीश जी, क्या आपको लगता है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानून का राज कायम हुआ है? लोग कहते हैं कि हालांकि गठबंधन के साथ हो भले ही, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोगों का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव यदि 2022 में आते हैं फिर से गुंडे माफिया हावी हो जाएंगे, फिर से मुख्तार अंसारी आजम खां जेल से बाहर आकर गुंडे फैलाने का काम करेंगे, या आपकी बार आपके नेता के पास कोई मास्टर प्लान है? सबसे पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन इतना चुस्त है कि उसके लिए कोई गाना गा सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा दंगा होने से बचाया था सुबोध कांत जी ने और सुबोध सिंह जी ने, और सुबोध सिंह की हत्या जो जिस व्यक्ति ने की थी, शिखर अग्रवाल जो कि बजरंग दल का नेता था, उसका जब जमानत होकर के वो बाहर आया तो इन लोगों ने बकायदा स्वागत किया। यही बातें करके आप मौका देते हो भारतीय जनता पार्टी को दोष। मैं एक बात बता, आप जब जब दंगों पे जाते हैं तब तब 2013 का दंगा आपका पीछे आ जाता है, और इस वजह से भी चौपट है कि आप देखिए कि इन्होंने पुलिस को भी, पुलिस का भी अपराधीकरण कर दिया है। संजीव जी आप बतावे कि भारत में नंबर 1 पे अपराध जो पुलिस है, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, ये पुलिस अभिरक्षा में हत्याओं का केस चल रहा है और 467 है ये, और इनके जो फेक एनकाउंटर थे वो 17 फेक एनकाउंटर में इनको बकायदा 28 करोड़ रुपए की शस्ति जो है ह्यूमन राइट कमीशन ने लगाया है। तो हमें यह बताइए कि जब अपराधीकरण ये पुलिस का कर देंगे तो किस तरीके से बैड अपराधी और गुड अपराधी, लेकिन कपीश जी क्या आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना है? कपीश जी क्या आपने मुख्यमंत्री योगी को सुना है? उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के माफिया तो जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, क्या मुख्यमंत्री की बात पर यकीन नहीं है आपको? मुख्यमंत्री जी तो खुद ही 302-307 के मुलजिम है, अब कहां है वो, कहां पर है वो, तो मुख्यमंत्री के पद पर है, और उसके साथ ही डिप्टी मुख्यमंत्री पर जो है हीनियस क्राइम के आरोप है, वो भी 302 के केस के मुजरिम रहे हैं, और साथ ही साथ अपहरण, पशु तस्करी, ये सारी धाराएं आज भी लगी हुई है उनके ऊपर, और 419-67-68-71 का मुकदमा तो अभी 6 महीने पहले हुआ इनके ऊपर जिसका विचारण चल रहा है, तो कहां जेल में है ये, तो पद पे बैठे हुए डिप्टी मुख्यमंत्री के। गृह राज्य मंत्री ने हत्या करवाई और आज देखिए गृह राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, उनके लड़के जो अंदर गए उनके साथ इनको भी तो जाना चाहिए था, क्योंकि 154 सीआरपीसी में ये नामजद मुलजिम थे, क्यों नहीं हटाए गए? तो सबको मालूम है इनका राज, एडीआर आपको गायत्री प्रजापति याद रहना चाहिए, 114 आपको राजा भैया याद रहने चाहिए। कपीश जी ये आरोप लगाने बड़े आसान है लेकिन आप राजा भैया को याद करिए ना, सीओ की हत्या आप याद करिए, लेकिन गायत्री प्रजापति को किस तरीके के आरोप लगे, किस तरीके से आपके नेता ने संरक्षण दिया, किस तरीके से वो लगातार मंत्रिमंडल में बने रहे, फील्ड बना रहे हैं, फील्ड सजा रहे हैं। मैं आप बताइए कि अजय मिश्रा टेनी की ओर क्यों नहीं बुलडोजर गया, बुलडोजर तो वहां भी जाना चाहिए था, और धर्मेंद्र सिंह पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ जिन्होंने, जिनके व्यक्ति ने हत्या कराई, हत्या की और सबके पुलिस प्रशासन के सामने की, वो उस आदमी के ऊपर क्यों नहीं चला? हमें आप बताइए कहाँ है बुलडोजर जो लखनऊ से बाद में गिरफ्तार हुआ और इन्होंने ही भगा के रखा था, तो ये भी तो मुलजिम हुए, तो सुरेंद्र सिंह के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए था, बुलडोजर क्यों नहीं चला, और ब्रिजेश सिंह के ऊपर मुकदमा कब चले? चलिए चलिए क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, 80 से ज्यादा हत्या का रिएक्शन कृष्ण मोहन जी का, बाद में जनता के पास पहुंचेंगे। कृष्ण मोहन जी इनका कहना यह है कि आपकी सरकार में भी गुंडई हावी रही है, खास तौर से अजय मिश्रा टैनी, आप देखिए आपके गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने खुलेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और बाद में आपकी सरकार बचाव करती रही, जब ईडी की जांच हुई तब उत्तर प्रदेश की सरकार की आँख खुली, मुकदमा दर्ज हुआ, उनके बेटे को जेल भेजा गया, ये तमाम चीजें आपके खिलाफ भी जाती हैं। कृष्ण मोहन जी, संजीव भाई मैं आपको बता दूं, उस प्रकरण को ठीक से ध्यान से देखेंगे आप तो जो वही FIR हुई उसके 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद से वो जेल भेज दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका सहयोग किया है। मैं लेकिन उसके एक ठीक उलट आता हूं, कृष्ण मोहन जी उनके पिता ने माना ही नहीं कि उन्होंने ऐसा किया। हेलो
आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई, ठीक है कार्रवाई बाद में हुई, जो दबाव जिस तरीके से बना, लेकिन उनके पिता जो हैं अजय मिश्रा वो तो माने ही नहीं। काफ़ी टाइम बाद उनको बाद में जो SIT की रिपोर्ट आई तब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आई, लेकिन उससे पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे। देखिए वो अभी असली बात हो रही है कि भाई उनके पिताजी पर, अभी कपिल भाई ने कहा कि उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, तो अपराध कोई और करेगा और दंड किसी और को नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, उन पे हमने तुरंत कार्रवाई कराई, उनको जेल भेजा, ये सूचिता है और उत्तर प्रदेश शासन ने इसको किया। परंतु गायत्री प्रसाद जी इनके मंत्री हुआ करते थे, एक महिला सवाल 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 कृष्ण मोहन जी ये है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आपने अजय मिश्रा पे कार्रवाई कब की, क्यों की, कैसे की। सवाल ये है कि आपके नेता जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, यकीनन वो देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस यानी सभी दलों से अलग है, तो आपने क्यों नहीं नजीर पेश की, क्यों नहीं आपने अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटवा दिया, क्यों नहीं आपने ये मैसेज देने का काम किया। गिरफ्तारी हुई, जेल भेज दिया गया उनको, मंत्री के बेटे हो चाहे विधायक के, अब अजय मिश्रा टेनी को जेल आपने भेज दिया, कब आपने अजय मिश्रा टेनी को जेल भेज दिया, 154 के अंदर जो है उसके अंदर वो अभियुक्त है, आपने कैसे उनको निकाल दिया, जो आदमी 25 सितंबर दीजिए कृष्ण मोहन जी कपीस जी अरे भाई यही बात तो है, समाजवादी पार्टी के लोग जब आप जैसा काबिल प्रवक्ता नहीं सुनेगा तो कौन विश्वास करेगा कि आपकी पार्टी कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है। कपीस जी, संजीव भाई मैं सबसे बड़ी कृष्ण मोहन जी को बात पूरी करने दीजिए, कृष्ण मोहन जी कंटिन्यू जी बोलिए, कृष्ण मोहन जी अपनी बात रखिए जी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता और आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी में ही 84% ये निखार है, 84% संगठित अपराधों में कमी आई है और 63% छोटे अपराधों में कमी आई है। संगठित अपराध, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में लगभग, संगठित अपराध की परिभाषा जरा कृष्ण मोहन बता दे, जेल में है या तो जेल में है या संगठित अपराध का जरा हमें आप बता दें। कपीसी आपको मौका मिलेगा तब आप उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा है, समाजवादी पार्टी को हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गुंडे वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, कपीस जी याद कीजिएगा, ठीक है आपकी बात का जवाब लेते हैं, हमारे साथ जनता जनार्दन है, कृष्ण मोहन जी अरे ये परंपरा गलत है भाई, ये कृष्ण मोहन जी ये देखिए, ये आपका भाजपा कार्यालय नहीं है, आपको 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 सवाल का जवाब देना है, आप जनता जनार्दन की सुनिए ना, आप इनकी क्यों नहीं सुनते हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कृष्ण मोहन, इनका कहना है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, रोजगार दिया है, शिक्षा बेहतर हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, किस तरीके का माहौल है। मैं अशोक कुमार, कुछ भी सरकार में पूरे 5 साल में ना स्कूल में कोई पढ़ाई हुई है। आपको आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया? नहीं किया। देखिए कृष्ण मोहन जी, ये जनता है, ये जनार्दन है, और इसी को सरकारें तय करनी है, इसी को तय करना है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और ये उत्तर प्रदेश है, इसका जो सियासी महत्व है, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभा, और दिल्ली की कुर्सी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है कृष्ण मोहन जी, और जनता जनार्दन यदि आपकी बात कानून व्यवस्था पर सहमति जताती है तो अन्य जो मुद्दे हैं वो भी हावी हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गन्ने का भुगतान हावी है, गन्ने के मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है, जो 25 रुपए 5 साल में बढ़ाए हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों में, क्या लगता है कि 5 साल में 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया पर्याप्त है? 25 पैसे किलो बढ़ाया मात्र पर्याप्त क्या, उससे डीजल पे हर चीज पे महंगाई इतनी है, किसान के लिए अगर 5 पैसे भी बढ़ाते उसको भी इतना शोर शराबा मचा रहे हैं, डीजल पे और सिलेंडर पे 40 रुपए लीटर और 500 रुपए और खाते कट्टे पे। मोहन जी देखिए, ये जनता जनार्दन है, इन्हीं को तय करना है, इनके वोट लेने हैं, लेकिन इनकी बातें आप तक पहुंचाना मीडिया का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, बाकी आपके नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए जरूरी क्यों है। कृष्ण मोहन जी देखिए, हम 5 वर्षों तक विकास के मुद्दे पर आए थे 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष हमने विकास किया है। संजीव भाई, हम लोग जो 5 वर्ष किए हैं उन 5 वर्षों का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और घर घर जाकर अपनी बातें कर रहे हैं कि 5 वर्षों तक हमने ये किया और 5 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकारों ने किया गया उसका भी काम किया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को
स्वीकार कर रही है, स्नेह दे रही है, प्रेम दे रही है और वो उस प्रेम के रूप में वोट देगी और पुनः 10 मार्च को आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। संजीव जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि महंगाई से इस वक्त जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है। ये ज्वलंत मुद्दे इस वक्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। कृष्ण मोहन जी, महंगाई को लेकर आपने कह दिया, आपने सिलेंडर फ्री दिलाए हैं, 1000 रुपया सिलेंडर भरा जा रहा है, कौन इतना सक्षम है गरीब परिवार जो 1000 रुपए में सिलेंडर भरवा लेगा? आप इस पे विचार कीजिए कि इस देश में यही प्रदेश है जहाँ पे सिलेंडर मिलना तो दूर एक संभ्रांत वर्ग की निशानी हुआ करती थी और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फ्री में ये सिलेंडर देने का काम किया। तो फ्री में सर कोने में रखे हुए सिलेंडर, इतने महंगे सिलेंडर कोई भरवाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल, अब एकदम उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है और अपने काम से बेहतर तरीके से उसको भरवा भी रही है और लोग उसे भोजन करके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भी कर रहे हैं, ये पूरा देश की जनता कर रही है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, कपीश जी के पास चलते हैं, कपीश श्रीवास्तव के पास चलते हैं। कपीश जी, आपके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम भर्तियां देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि उत्तर प्रदेश को गर्मी देने का काम करेंगे तो हम भर्ती देने का काम करेंगे, लेकिन आपके नेता के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है जिससे वो शिक्षा देंगे बेहतर उत्तर प्रदेश के लोगों को, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देंगे, रोजगार युवाओं को मिलेगा? हालांकि वो तमाम बातें करते हैं, लैपटॉप बांटेंगे। अरे भाई, 18 लाख लोगों को लैपटॉप उन्होंने 2012 से 2017 की जो उनकी सरकार थी उस दौरान बांटे थे, लेकिन 2017 में क्या हुआ, 47% सिमट गए आप। आपके पास कौन सा रोड मैप है आपके पास कपीश जी? देखिए बहुत सीधी सी बात, इनके समय में मुख्यमंत्री इस बात को स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर योग्यता का अभाव है, रोजगार और नौकरी का अभाव नहीं। तो ये जितने आपके पीछे खड़े लोग हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिसाब से अयोग्य लोग हैं, इसलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है। ये किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक अपने प्रदेश की जनता के मुंह पे नहीं, ये जाट है और जाट होता है क्या? ये जाट है और जाटों का जो समर्थन है मेरे साथ जो है ये बहुतायत संख्या में जाट हैं और इनका समर्थन जयंत चौधरी के साथ है, आपका गठबंधन है उनके साथ, इसमें कहीं दो राय नहीं, हम लोग तो गठबंधन में है। लेकिन बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि 22 लाख तो हम लोगों ने सिर्फ कहा है कि IT सेक्टर के अंदर देंगे और SEL जब लखनऊ में बनवाया गया तो एक आपके सामने उदाहरण है कि 5600 लोग उसके अंदर नौकरी कर रहे हैं। हम लोग संविदा की नौकरी नहीं देना चाहते, परमानेंट नौकरी देना चाहते। आज भी आप देख लीजिए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और टोटल अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 17 लाख नौकरियां हैं, 17 लाख नौकरियां जो सरकारी विभाग में दी जा सकती। आप खुद मुझे बताइए, ठीक है, एक और हमारी डिबेट का टॉपिक था, शिक्षक 36 जो निकाय MLC हैं उनका चुनाव भी आ गया। कपीश जी, 36 जो निकाय MLC हैं उनका चुनाव भी आ गया, मार्च में वोटिंग है और मार्च में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आपको लगता है जो चर्चाएं चली थी कि नवंबर में सरकार चुनाव कराने जा रही है MLC का, क्या आपको लगता है कि ये जो वर्तमान सियासी फिजाएं हैं, जो सियासी हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल की ओर बहती है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक मैसेज देने का काम करता है, 2013 के दंगे हुए, मनमोहन सरकार 10 साल से थी, उखड़ के दूर चली गई, 2017 के चुनाव हुए, आपकी सरकार 47 पर आ गई, तो क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार ये सुनिश्चित करने का काम करेगी कि आजम खां के लोग गुंडे ही नहीं करेंगे, मुख्तार अंसारी के लोग गुंडे ही नहीं करेंगे, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा नहीं होगा, आपकी सरकार के जो ताकतवर नेता होंगे लोगों को धमकाएंगे नहीं, ये आश्वासन देना होगा आपको जनता को? हम तो जनता को आश्वासन दे रहे हैं, ना ब्रजेश सिंह के गुंडे धमकाएंगे, ना मुख्तार के गुंडे धमकाएंगे, मुख्तार कभी हमारे पार्टी के अंश नहीं रहे। आपको याद होना चाहिए कि 2017 के अंदर मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकार कर दिया था। ये जवाब तो साथी प्रवक्ता देंगे आपके बैठे हैं। मैं तो आपको सीधी बात ये कह रहा हूँ कि हमारा बुलडोजर दोनों तरफ चलेगा और एक जैसा चलेगा, हम बैड अपराधी और गुड अपराधी अपनी जाति बिरादरी को खोज के नहीं करेंगे, जो अपराध करेगा उसकी जगह जेल में होगी। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जिन आजम खान साहब के लिए आप नाम ले रहे हैं, मुझे एक भी आप आरोप नहीं बता पाओगे कि कब उनके ऊपर 302 और 307 लगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुकदमे ये झेल रहे हैं,
गुंडे मवाली तो ये लोग हैं और इनके यहाँ है गुंडे मवाली। डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप नहीं है? अपहरण करवाया। कृष्ण मोहन जी ये कह रहे हैं कि आजम खां के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, आपकी सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। समाज में सौहार्द की व्यवस्था उत्पन्न कर देना, समाज में सुख शांति लाना गुंडा अपराधी है। चले जाइए, हम गुंडा आप कहीं भी मौर्या जी के बारे में पता करिए। आपकी बारी आएगी, आपकी ये बड़ी दिक्कत, आप दूसरे की बात सुनते नहीं है। कपीश जी आप दूसरे की बात सुनिए ना। कृष्ण मोहन जी इनका कहना यह है कि आपकी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, आजम खां के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, ये कह रहे हैं आपके साथी प्रवक्ता। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ कि चोरी ये कहते हैं कि कुर्सी चोरी, फर्नीचर चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी। कपीश जी रुकिए, समय की कमी है। कपीश जी रुकिए, समय की कमी है। कृष्ण मोहन जी जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। कपीश जी इनकी मजबूरी है कि अपने पार्टी की बात रखनी है और ये जानते भी हृदय से जानते हैं कि किस तरह से अपराधी समाजवादी सरकार में सामान्य कार्यकर्ता को साल के आरोप तो बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को साल तो बताइए मुझे, 367 का कोई आरोप। अरे भाई लड़ने की जरूरत क्या है, वन बाय वन अपनी बात पूरी करिए। कपीश जी ये परंपरा गलत है दोस्त। कपीश जी आप समाजवादी पार्टी के इतने काबिल प्रवक्ता हैं और आप इस तरीके से बात करेंगे? नामांकन में जो प्रस्तावक बना मेरी बात आ रही नहीं कर रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, मुझे आप दूसरी तरफ अवसर दिला रहे हैं। कपीश जी आपको भी पूरा मौका दिया है बोलने का, आप बोलिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है आप बोलिए, जल्दी बोलिए सर, समय की कमी है। कपीश जी जल्दी जल्दी से, कुछ सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जल्दी तो पूछ रहा हूँ कि आजम, अगर आजम खां आपके दिमाग में गुंडे हैं, ये सरतू के विधायक कौन है? 137 मानने को तैयार नहीं है कि सभी दोनों ही पार्टियों में इस तरीके के प्रवृत्ति के जो हैं वो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे मौजूदा विधायक भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ गए हैं, कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे यहाँ पर एमएलसी चुनावों को लेकर भी घोषणा कर दी गई है। अब देखना होगा कि इसका विधानसभा चुनाव में बीजेपी आखिर कितना फायदा उठा पाएगी, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये तमाम चीजें 10 मार्च को पता चलेंगी। 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव की तस्वीर जो है पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।